नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारत इंग्लैंड के बीच चेपॉक में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबानों को 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा है। भारत इस हार के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर आ गया है, वहीं इंग्लैंड टॉप पर पहुंच गया है। भारत इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए एक्शन पैक इवेंट की रूपरेखा चेन्नई में भारत की करारी हार के साथ तय हो गई है। इससे पहले अंग्रेजों को आसान शिकार मानकर पहले ही सीरीज जीत तय मानी जा रही थी। इस हार के बाद अजिंक्य रहाणे की बैटिंग पर काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने अपने उप कप्तान का बचाव किया है। दरअसल अजिंक्य रहाणे को ऑस्ट्रेलिया में शानदार कप्तानी करने के बाद काफी वाहवाही मिली थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में वे दो पारियों में फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने पहली पारी में एक और दूसरी पारी में जीरो रन बनाए। भारत को अपने अनुभवी बल्लेबाज से इस तरह का योगदान भारी पड़ा। बता दें, जब भारतीय कप्तान विराट कोहली से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि रहाणे खराब फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने ये याद दिलाया कि मेलबर्न में रहाणे की शतकीय पारी को अधिक समय नहीं हुआ है। कोहली ने मैच के बाद कहा, अजिंक्य रहाणे तब खड़े हुए जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भूले मत कि उन्होंने मेलबर्न में 100 रन बनाए थे। कोई मुद्दा नहीं है, ये हर कोई बढ़िया खेल रहा है। हमको रहाणे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हमने काफी लंबे समय से उनकी काबिलियत पर विश्वास किया है। वो एक ठोस खिलाड़ी हैं। बता दें, कोहली ने आगे कहा कि ये केवल आज की पारी थी जिसको आप साइड में रख सकते हैं, लेकिन पहली पारी में रहाणे चौका लगाना चाहते थे जिसको जो रूट ने जबरदस्त कैच में तब्दील कर दिया। कोहली ने कहा, अगर वो चौका चला जाता तो हम यहाँ बैठकर ये बातें नहीं कर रहे होते। भारत सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुका है और चेन्नई में ही दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। ये मुकाबला 23 फरवरी से खेला जाएगा। भारत को अब सीरीज में सतर्क होकर खेलना होगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम एशिया में अपने पिछले 6 में से 6 मैच जीत चुकी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।